वेल तो दोस्तों हर बार की तरह फिर से आ चुका हूँ दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। बट दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सारे पिछले वीडियो दोस्तों ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज दोस्तों आप लोगों ने हैकिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। एंड दोस्तों आप लोगों ने तो सारे ऐसी बातें सुनी होगी कि किसी का फ़ोन किसी ने हैक कर लिया एंड उसके फ़ोन में जो भी मेमोरीज थे जो भी दोस्तों वहाँ पे डाटाज वगैरह था वो सारे डाटा को हैकर चुरा गया। बट दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से दोस्तों किसी का भी फ़ोन को टोटली से हैक कर सकते हो, जब दोस्तों टोटली से उस फोन पे एक्सेस पा सकते हो। कहना का मतलब दोस्तों उसके फ़ोन में जो भी चीज़ है जो भी एक्टिविटीज़ करती है जो भी दोस्तों उसके फ़ोन में दोस्तों कॉल्स आते हैं या फिर कॉल जाते हैं या फिर किसी को व्हाट्सएप पे चैट करता है किसी को मैसेज भेजता है मैसेज आता है इस तरह के जो भी दोस्तों चीज़ें हैं या फिर उसके फ़ोन में जो भी डाटाज हैं जो भी वीडियोज़ हैं जो भी दोस्तों वहाँ पर फाइल्स हैं वो सारे फाइल्स को दोस्तों आप एक्सेस कर सकते हो। एंड दोस्तों उस चीज़ को दोस्तों आप उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में ला सकते हो एंड सामने वाले को दोस्तों पता भी नहीं चलेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन भी, लोकेशन इतना ज़्यादा एग्जैक्ट कि क्या एल्टीट्यूड है क्या लैटीट्यूड है हर डिटेल तो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे खड़ा है दोस्तों वहाँ का दोस्तों आपको समरी बता देगा, वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन नाम के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बता देगा। बिलीव मी दोस्तों ये जो आपको तरीका आज के वीडियो में मैं बताने वाला बहुत ही ज़्यादा ऑसम है एंड मैंने दोस्तों इसे पर्सनली यूज़ किया मुझे बहुत ही सही लगा। सो मैंने कहा कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स को भी अपने जो भी पब्लिक है उसे भी इस चीज़ के बारे में बताया जाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके के बारे में इसी हैक्स के बारे में बताने वाला जिसके मदद दोस्तों आप किसी के फ़ोन को दोस्तों किसी का भी फ़ोन को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से हैक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से उसके डाटा को या फिर सारे चीज़ पे दोस्तों एक्सेस पा सकते हो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सी चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों ये जो चीज़ है जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो तरीका मैं बता रहा हूँ मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्तों इसे आप गलत पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ मत करना, कुछ गलत चीज़ इसके साथ मत करना। अगर आप किसी अपने दोस्त या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स पर आप नज़र रखना चाहते हो अपने बच्चे पे नज़र रखना चाहते हो तो फिर इस तरीकों को यूज़ करना, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को दोस्तों गलत वे से आप दोस्तों यूज़ मत करना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ सीधा ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एंड आपको दिखाता हूँ दोस्तों कौन सा ये तरीका है किस तरह से दोस्तों ये सारा चीज़ आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो चले करते हैं दोस्तों वीडियो को करते हैं फटाक से स्टार्ट। सो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों आप जिस भी फ़ोन को यहाँ पे हैक करना चाहते हो जिस भी बंदे का दोस्तों आप मोबाइल को या फ़ोन को दोस्तों उस पर एक्सेस पाना चाहते हो सिंपली दोस्तों उस बंदे का फ़ोन को दोस्तों आपको दो से चार मिनट के लिए लेना है एंड देन दोस्तों उसके फ़ोन में सिंपली से यहाँ पे आपको गूगल को ओपन करके सर्च बार में यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल ट्रैकर लिख के सिंपली से सर्च करना है एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला एक वेबसाइट खुल जाएगा मोबाइल ट्रैकर फिर सिंपली से दोस्तों इसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड नीचे दोस्तों इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्री पे यहाँ पे आपको प्रेस करना है फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों डाउनलोड मोबाइल ट्रैकर फ्री सिंपली से दोस्तों इस पर प्रेस करना है एंड यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो ऑब्वियसली बात है आपके अकाउंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट बनाना होगा उसके लिए नीचे दोस्तों आपको साइन अप नाउ पे यहाँ पे प्रेस करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी एक पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों आप एक फेक जीमेल को बना लेना एंड वही यहाँ पे आप एंटर करना एंड ये ईमेल आईडी दोस्तों इसी के मदद से दोस्तों आप बाद में जब इसके फ़ोन में सारे सेटिंग कर दोगे देन दोस्तों इसी ईमेल आईडी के साथ आप इसके फोन को दोस्तों पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो अच्छी तरह से यहाँ पे दोस्तों ईमेल एंड पासवर्ड डाल के सिंपली से आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट माय अकाउंट के बटन पे आप प्रेस कर देना एंड जैसे दोस्तों आप प्रेस कर दोगे दोस्तों आपका अकाउंट बन के रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे सिंपली से आपको प्रेस करना है एंड इंस्टेंट दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे आप बस इस दोनों बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कैप्चा को एंटर करना है एंड डाउनलोड मोबाइल ट्रैकर फ्री एपीके यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों जैसे देख सकते हो ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है एंड जैसे दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को यहाँ पे आप दोस्तों इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा सिंपली से जो भी यहाँ पे दोस्तों आपको अलाउ करने के लिए बोल रहा है जिसका भी यहाँ पे एक्सेस देने को बोल रहा है सिंपली से दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ को दोस्तों आप बारी बारी से दोस्तों यहाँ पे आप एक्सेस दे देना सारे एक्सेस दे देने के बाद सिंपली से दोस्तों डाउनलोड मोबाइल ट्रैकर फ्री एपीके पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लेगा सिंपली जैसे दोस्तों ये 100% यहाँ पे इस प्रोसेसिंग पूरा हो जाए उसका नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है
सिंपली से इंस्टॉल मोबाइल ट्रैकर फ्री पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों इसे इंस्टॉल प्रेस करके सिंपली से दोस्तों अपने फ़ोन में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कर लोगे सिंपली से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना कि आप किसका फ़ोन यहाँ पे हैक कर मतलब उस पर एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या आपका फ़ोन है या फिर आपका एम्प्लॉयज़ है या फिर आपका चाइल्ड है। तो यहाँ पे आप माई ऑन डिवाइस पे क्लिक करके नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करके सिंपली से नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको टिक करके सिंपली से नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, वो जो ईमेल आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे दोस्तों इसे आपने डाउनलोड किया था, तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेस वगैरह यहाँ पे आपसे मांगेगा, तो बारी बारी से दोस्तों आप इस सारे एक्सेस को दे देना। एंड एक्सेस को दे देने के बाद नीचे दोस्तों आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, सिंपली दोस्तों इस नेक्स्ट के बटन पर आप प्रेस कर देना। एंड फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली से उसी ईमेल एंड उसी पासवर्ड को दोस्तों यहाँ पे एंटर करना है आपको। एंड फिर सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली से आपको सेव कर देना, सेव बटन पे यहाँ पे प्रेस करना है एंड सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओके कर दोगे सिंपली से दोस्तों आप सक्सेसफुल ये जो मोबाइल ट्रैकर है ये एप्लीकेशन दोस्तों सिंपली से उसके फ़ोन में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एंड एक बात आपके मन में दोस्तों ज़रूर आता होगा, ये जो चीज़ आपने दोस्तों यहाँ पे सेव किया है तो ये चीज़ दोस्तों उसको पता चल सकता है, वो एप्लीकेशन उसके सामने आ सकता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों इसे कुछ खबर भी नहीं लगेगा कि उसके फ़ोन में दोस्तों कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है एंड कुछ हो भी रहा है। तो एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वाईफाई के नाम पे। एंड जैसे दोस्तों इस पे वाईफाई पे आप प्रेस भी करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी वाईफाई नेटवर्क वगैरह होगा वो जो शो कर रहा होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर चाहोगे दोस्तों आप इसे अनइंस्टॉल भी करना तो फिर भी दोस्तों देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक बार अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो अनइंस्टॉल भी अगर करना चाहता है दोस्तों उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। एंड सबसे दोस्तों उसे कुछ नहीं पता चलेगा उसके फ़ोन में कुछ हो भी रहा है, उस फोन को दोस्तों किसी ने हैक कर लिया, उसके फ़ोन पे किसी ने एक्सेस कर लिया, ये सारा चीज़ दोस्तों उसे पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ जैसा ही हो जाएगा सिंपली से उस बंदे के फ़ोन में, तो उस बंदे को दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन वापस कर देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट करना क्या है दोस्तों, अब दोस्तों जिसका भी फ़ोन को आप यहाँ पे आप हैक करना चाहते हो उस फ़ोन में जो भी आपको करना था वो सारा चीज़ आपने कर दिया। अब आपको करना क्या है सिंपली से दोस्तों, अब आपको अपना खुद का फ़ोन लेना है एंड सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल को ओपन करना है एंड यहाँ पे फिर से आपको मोबाइल ट्रैकर लिख के सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली से आपको यहाँ पे लॉगिन के प्रेस करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पे जिस भी ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड के साथ दोस्तों यहाँ पे उसके फ़ोन में जिस भी फ़ोन को आप हैक करना चाहते हैं तो उसके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड आपने एंटर किया है सिंपली से सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पे आप एंटर कर दो। उसके बाद सिंपली से दोस्तों यहाँ साइन इन के बटन पे सिंपली से आपको क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों अब आपको फुल एक्सेस मिल चुका है कि जिस भी फ़ोन को यहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हो उस फ़ोन का दोस्तों आपको फुल एक्सेस मिल चुका है एंड जो भी आप करना चाहते हो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्क्रॉल करके ऐसे कुछ इस तरह से नीचे जाना है एंड यहाँ पे दोस्तों जो भी उस फ़ोन का नाम है जिससे दोस्तों आपका भी एक्सेस है जिस पे उसका यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा। एंड नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि अभी वो ऑनलाइन है या फिर नहीं। एंड उसके जस्ट नीचे उसका बैटरी अभी उसका फ़ोन कितना चार्ज है एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ लोकेशन देखने को मिला है। इस लोकेशन में दोस्तों एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन बताता है, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड एक्यूरेसी हर चीज़ दोस्तों एंड किस एरिया में रह रहा है उस एरिया का क्या नाम है, तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे दोस्तों ये लोकेशन बताता है। तो उसके बाद नीचे दोस्तों आपको स्क्रॉल करके कुछ इस तरह से नीचे जाना है एंड नीचे जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप जाते हो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड लिखने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको SMS MMS कॉल्स लोकेशन जब भी दोस्तों वो जो चीज़ आपने जो एप्लीकेशन उसके फ़ोन में इंस्टॉल किया तो उसके बाद जो भी एक्टिविटी उसके फ़ोन में हुआ है जैसे कि जितना भी कॉल आया जितना भी SMS आया है या फिर गया है वो सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है वन कॉल, सिंपली से अगर आप कॉल पे प्रेस करते हो एंड कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा कि वो अभी उसके फ़ोन में कितना कॉल आया है या फिर उतना कॉल गया या फिर किसे कॉल आया, किस नंबर पे कॉल आया है या फिर किस नंबर पे कॉल गया, क्या नाम था उसका, कितना देर बात हुआ है, क्या टाइमिंग था कॉल का एंड उसका लोकेशन क्या था, हर चीज़ दोस्तों डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेम उसी तरह से दोस्तों SMS पे भी आप क्लिक करोगे तो जो भी SMS आया है या फिर गया है तो उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरे देखने को मिल जाएगा, किस नंबर से आया है, कहाँ पे SMS गया है, किस टाइमिंग पे गया है, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगी।
कुछ इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे लोकेशंस भी आप चेक कर सकते हो, SMS, MMS, कॉल्स वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हो। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाता हो तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों पिक्चर्स में दोस्तों यहाँ पे जो भी पिक्चर्स उसने अपने कैमरे से खींचा है या फिर डाउनलोड किया या फिर किसी ने शेयर किया, तो जो भी पिक्चर्स वगैरह रहता है, तो सिंपली से अगर आप पिक्चर सेशन में जाते हो तो वो सारा पिक्चर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड बहुत ही आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड फिर है दोस्तों ऐप्स, तो ऐप्स में दोस्तों उसके फ़ोन में अभी करेंटली जितने भी ऐप्स वगैरह रन कर रही है, जो भी ऐप्स डाउनलोड है, वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से दोस्तों आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा ऐप्स अभी उसके फ़ोन में डाउनलोड है, कब डाउनलोड है, ये हर डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे दोस्तों स्क्रीनशॉट, तो उसके फ़ोन में जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लिया गया है दोस्तों अभी, तो वो सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसानी से। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर लॉन्ग प्रेस करो एंड डाउनलोड इमेज पर सिंपली से क्लिक करोगे तो सिंपली से ये जो चीज़ है, ये जो स्क्रीनशॉट है, वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर दोस्तों यहाँ पे आपको सेव हो जाएगा। एंड कुछ इस तरह से आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों रिमोट कंट्रोल्स देखने को मिलता है। रिमोट कंट्रोल्स की अगर बात करें तो इसके मदद से दोस्तों आप कर क्या सकते हो, तो सिंपली दोस्तों अगर आप चाहते हो कि उसके फ़ोन में उसके फ़ोन के कैमरे से अभी क्या चल रहा है, वो कहाँ पे, वो सारा चीज़ आप देखना चाहते हो, उसके फ़ोन के कैमरे से अगर आप फोटो करेंट खींचना चाहते हो एंड उसे पता भी ना लगे अगर चाहते हो, तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको कौन से कैमरे से आप फोटो क्लिक करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। एंड सिंपली से दोस्तों क्या आप फ्लैश यूज करना चाहते हो वो सारा चीज़ सेलेक्ट करके सिंपली से टैग के पिक्चर पे क्लिक करोगे तो जो भी फोटोज़ वगैरह यहाँ पे दोस्तों अभी करेंटली खींचा गया वो सिंपली से आपके फ़ोन में यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो एंड यहाँ पे दोस्तों आप रिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो कितना रिंग आपको करना है, रिंग या वाइब्रेट, अब जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैसेज भी उस नंबर पर आप दोस्तों यहाँ पे बहुत आसानी से भेज सकते हो। एंड एक चीज़ दोस्तों, अगर उसके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी दोस्तों फ़ोन नंबर अगर सेव है, वो सारा अगर आप लेना चाहते हो सिंपली से यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे रिट्राइव कॉन्टैक्ट सिंपली से क्लिक करके। एंड जो भी कुछ ऐप्स वगैरह अगर आप वहाँ पे हाइड करना चाहते हो, एप्लीकेशन वगैरह, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो दोस्तों। एंड एक बहुत ही मस्त चीज़ यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फॉर्मेट द फोन, तो उसके फ़ोन में जो भी फाइल्स है, जो भी ऐप्स वगैरह है, तो हर चीज़ दोस्तों सिंपली से फॉर्मेट द फोन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके फ़ोन में जो भी डाटा वगैरह जो चीज़ भी होगा दोस्तों, वो सारा चीज़ बहुत ही आसानी से दोस्तों डिलीट हो जाएगा एंड उसे कुछ खबर भी नहीं लगा। एंड उसके जस्ट नीचे स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट आप लाइव लेना चाहते हो उसके फ़ोन का, तो वो क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है, तो हर चीज़ आप यहाँ पे सिंपली से टेक स्क्रीनशॉट क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हो। एंड कैमरा, अगर दोस्तों उसके फ़ोन का आप यहाँ पे कैमरा को डिसेबल करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो यहीं से आप कर सकते हो। एनेबल करना चाहते हो वो भी दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड फिर है दोस्तों लाइव व्यूइंग, जो कि दोस्तों सबसे मस्त चीज़ है मुझे यहाँ पे लगा दोस्तों, इसके मदद से लाइव व्यूइंग के मदद से दोस्तों आप लाइव उसके कैमरा से जान, तो उसके कैमरा से आप देख सकते हो कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, अभी क्या है उसके आसपास में, हर चीज़ देख सकते हो। उसके लिए सिंपली से यहाँ पे आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है एंड कौन सा कैमरा से आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो वो सिंपली से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड साउंड चाहते हो या फिर नहीं वो भी सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट पर क्रैश करना है। एंड जैसे दोस्तों आप स्टार्ट पर प्रेस कर देते हो तो फिर ऊपर में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आएगा एंड वहाँ पे दोस्तों आपको लाइव जो भी वो बंदा जिधर भी कैमरा फोन मूव कर रहा है, जिधर भी कैमरा मूव कर रहा है, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कोई बंदा उसका कैमरा यूज़ कर रहा है एंड देख रहा है या अभी लाइव क्या कर रहा है वो। सेम इसी तरह से दोस्तों आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसका सुन सकते हो, ऑडियो भी सुन सकते हो लाइव अभी किससे बात कर रहा है या फिर स्क्रीन पर वो क्या कर रहा है। अगर स्क्रीन पर देखना चाह रहे हो तो लाइव अभी फ़ोन में अभी क्या यूज़ कर रहा है, सिंपली स्क्रीन पर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट करना है। इसे स्टार्ट करोगे तो फिर से पॉपअप करके स्क्रीन आएगा एंड लाइव आपको देखने को मिल जाएगा कि वो अभी क्या कर रहा है अपने फ़ोन पे, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है या फिर क्या कर रहा है सच, हर चीज़ तो वो जो भी करेगा बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड सेम उसी तरह से ऑडियो भी सुन सकते हो लाइव, उसके माइक से आप सुन सकते हो ऑडियो वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, वो कहाँ है, हर चीज़ दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर देखने को मिलेगा, सिंपली से अगर फाइल एक्सप्लोरर की बात करो तो इसके मदद से दोस्तों उसके फ़ोन में जो भी फाइल्स वगैरह, जो भी फोटो पिक्चर्स वगैरह, हर चीज़ का यहाँ पे आपको एक्सेस देखने को मिलेगा। सिंपली से यहाँ पे आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है कि किस फोल्डर को यहाँ पे आपको ओपन करना है, किस फोल्डर में देखना है कि क्या कुछ है, तो सिंपली से यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट करके ओपन द स्क्रोलर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से विथ इन ए सेकेंड दोस्तों उसके फ़ोन में जो चीज़ भी है सिंपली से यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके फ़ोन में दोस्तों जो भी फाइल्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो चीज़ भी है दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। एंड और भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि लाइव लोकेशन, आप ये चेक कर सकते हो कि अभी लाइव वो कहाँ है, पूरा एक्यूरेसी के साथ उसका कौन से लोकेशन पे खड़ा है, हर चीज़ दोस्तों आप चेक कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारी चीज़ दोस्तों, ब्लॉक ऐप, अगर आप
आपके फ़ोन में कोई ऐप ऐसा है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हो तो सिंपली से ब्लॉक ऐप के मदद से आप कर सकते हो। एंड एक लास्ट है एस्थेटिक्स, इसके मदद से आप देख सकते हो ऑल ओवर दोस्तों वो पूरे दिन में या फिर जितने घंटे से अभी आपने उसके फ़ोन में ये चीज़ किया है तो उतने घंटे में उसने सबसे ज़्यादा किससे चैट किया, किससे बात किया है, हर चीज़ दोस्तों आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आप इस तरीके के मदद से किसी के भी फ़ोन में दोस्तों एक्सेस कर सकते हो एंड उसके फ़ोन में आप जो भी करना चाहते हो दोस्तों आप अपने फ़ोन से उसके फ़ोन को दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो बहुत ही आसानी से दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया उस तरह से आप कर सकते हो। एंड एक लास्ट चीज़ दोस्तों, अगर आपका काम ख़त्म हो चुका है, अगर आपका जो भी चीज़ आपको देखना था कि वह क्या कर रहा है वो सारा चीज़ आपका आप ख़त्म हो चुका है एंड अगर आप उसके फ़ोन को फिर से नॉर्मल करना चाहते हो उसके लिए ऊपर आपको प्रोफाइल पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है एंड फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको डिलीट फ़ोन के नाम, पहले फ़ोन का नाम देखने को मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट फ़ोन सिंपली से देखने को मिलेगा। सिंपली से आपको डिलीट फ़ोन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे यस करना है। जैसे दोस्तों आप यस कर दोगे तो उसके फ़ोन में दोस्तों पहले ऐसा सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा एंड उसे दोस्तों कुछ पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो तरीका मैंने बताया वो सारा तरीका आपको पसंद आया होगा एंड दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से दोस्तों आप किसी के फ़ोन में एक्सेस पा सकते हो, किसी भी फ़ोन को दोस्तों आप किस तरह से हैक कर सकते हो, ये चीज़ दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया होगा। एंड साथ ही साथ आई होप कि ये दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको सच में पसंद आई होगी, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल से भी मत भूलना। एंड साथ ही साथ दोस्तों फ्यूचर में अगर आप चाहते हो उस चैनल पर इसी तरह के और भी यूजफुल एंड हेल्पफुल कॉन्टेंट तो उसके लिए दोस्तों नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा है उसे दोस्तों आप दबाना बिल्कुल से भी मत भूलना। सो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। इस तरह के वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।